41 पे आपकी पोएम है, ये जो पोएम पढ़ते हैं बच्चे, डिंग डोंग बेल पुसीज इन द वेल, हु पुट हर इन लिटिल जॉनी थिन, हु पुल्ड हर आउट लिटिल टॉमी स्टाउट। ठीक है, ये आपकी पोएम है, आप इसको पढ़ना है। उर्दू रीडिंग पे देखें पेज 58 और पेज 58 आपका रिवाइज है, आपकी रिवाइज रीडिंग शुरू हो गई है। ये देखें बाघ की, ये आपका 58 पे थी, आपने सारा रिवाइज रीडिंग करनी। बाघ में ज़ारा अली और सारा हैं, सारा नाराज़ है। ज़ारा अली सारा को गेंद दो, अली नहीं मेरी पारी है, अली ने सारा को गेंद नहीं दी। कहानी बिल्कुल बनी हुई जैसे बच्चे खेल रहे हैं वैसे आपकी रीडिंग है। ठीक है, और ये आपने लफ्ज़ों को मिलाना है, ये दोनों चीज़ों को मिला के पढ़ना है पेज 58 पे। उर्दू कॉपी पर देखिए, ये भी आपका रिवाइज काम है। मुजफ्फर मुनस कर रहे हैं, आप मुजफ्फर मुनस चिड़िया चिड़िया, हिरन हिरनी, मोर मोरनी, शेर शेरनी, मुर्गा मुर्गी। ठीक है, इनको अच्छी तरह याद करने आप लिखना है। मैथ्स कॉपी पर रिवाइज आपका काम ही नहीं, आपने काउंटिंग इन वर्ड्स लिखनी है 31 से लेकर 40 तक। अच्छी तरह इसको आपने स्पेलिंग के साथ याद करने आप लिखना है। पेज 33 आपका इस्लामिक स्टडीज़ का, आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये, व्हाट इज़ हेल, हेल कहते हैं दोजक को। वो पूछ रहे हैं व्हाट इज़ हेल, दोजक क्या है। हेल इज़ द वर्स्ट ऑफ ऑल प्लेसेस, जो बहुत सारे गुनाह करते हैं ना, अल्लाह ताला का हुक्म नहीं मानते, अल्लाह ताला ने कहा वर्स्ट ऑफ ऑल प्लेसेस। आपने इतना ही याद करना है, वर्स्ट ऑफ ऑल प्लेसेस। ठीक है, इंग्लिश पोएम आपने याद करनी है, टेडी बेयर आपको ऑनर सिलेबस में है। इंग्लिश कॉपी वर्क पे देखें, सिंगुलर प्लूरल है, आपके सिंगुलर प्लूरल में हैड्स, इधर हैड है ना तो आपने एस का इजाफा करना है। हैड्स, कैट कैट्स, एग एग्स, बॉय बॉयज, मैन मैन। ठीक है, ये आपके सिंगुलर प्लूरल, ये आपका काम है 21 तारीख का।